हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है Realme C35। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर है RMX3511। आज इसके अंदर हम फोल्डर डाल के दिखाएंगे दोस्तों। इसकी डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है, इसके हम डिस्प्ले डालेंगे। हमने इसकी डिस्प्ले मंगा रखी है दोस्तों, आज हम इसमें डिस्प्ले डाल के दिखाएंगे। दोस्तों ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का फोल्डर है, तो इसे हम साइड में करते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आउटर सिम ट्रे निकाल लेंगे इसकी। दोस्तों इसका बैक पैनल जो है चिपका हुआ होता है, तो ओपनर की मदद से हम इसका बैक पैनल ओपन कर लेंगे और हम इसके अंदर स्टील की पत्ती लगा लेंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, हल्का सा प्रेस करके इसको हम खोल लेंगे। दोस्तों हमारा बैक पैनल अलग हो चुका है। दोस्तों अब हम इसके स्क्रू खोल लेंगे। दोस्तों कुछ पैच इसके नीचे होंगे, हम इसको हटा लेंगे। अब कैमरे के लेंस के नीचे बाकी के स्क्रू होंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कैमरे का लेंस। इसको दोस्तों ये छुपे हुए पैच होते हैं, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कैसे कहाँ से खुलेगा कौन सा फ़ोन, इसलिए हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो हमारी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों ये ग्लू पहले हम सफ़ा कर लेंगे, उसके बाद ही फ़ोन को खोलेंगे, क्योंकि अभी फिट हुआ हुआ है तो ग्लू हमारी अच्छी तरह सफ़ा हो जाएगी। नीचे के भी पैंच खोल लेंगे हम। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे पेज पूरे खुल चुके हैं, अब हम इसके फ्रेम को खोल लेंगे। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो फिंगर की वायर है ये बहुत नाजुक होती है, तो सबसे पहले हम इसको आराम से अलग कर लेंगे, पूरा ना उठाएं कभी भी। अगर हमने पूरा उठा दिया तो हमारी ये वायर टूट जाएगी, जिसकी वजह से हमारा फिंगर बटन बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखें। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा इंटरफेस अंदर से कैसा है। दोस्तों अब हम इसकी बैटरी रिमूव कर लेंगे। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, अदर कोई भी मोबाइल, कोई भी कंपनी का हो, किसी भी कम ब्रांड का हो, सबसे पहले बैटरी रिमूव करेंगे। ये हमने डिस्प्ले का फ्लेक्स है दोस्तों, इसको हम यहाँ से निकाल के डिस्प्ले को बाहर की तरफ धकेल लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्प्ले बाहर से लगा के चेक कर लेंगे हमारी डिस्प्ले आ रही है नहीं आ रही है। कभी कभी बोर्ड में भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो इसलिए बाहर से हम डिस्प्ले लगा के चेक कर लेंगे। ये डिस्प्ले हम बाहर से एसी लगा लेंगे और यहाँ पर हम पावर का बटन दबा के ऑन कर लेंगे। दोस्तों हमारा फ़ोन वाइब्रेट हो चुका है और देख सकते हैं इसमें यहाँ पर रियल मी लिखा हुआ भी आ गया है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी टच पूरी तरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले का इंटरफेस कितना बढ़िया आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले आ रही है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल हो। ठीक है दोस्तों, हमारी टच बिल्कुल फर्स्ट क्लास चेक हो गई है। कभी भी टच इमरजेंसी में चेक करनी है तो वॉल्यूम का आप बटन ले लीजिए और उसको साथ साथ लेके चलिए पूरी डिस्प्ले पे। अगर हमारा वॉल्यूम का बटन पूरा प्रॉपर काम कर रहा है तो यानी कि आपकी टच सही है। इसका पैटर्न हमें मालूम नहीं, लोग हमें मालूम नहीं है,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा फोल्डर चेक हो गया है। अब हम फोल्डर को निकाल लेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद डिस्प्ले को। अब यहाँ पर हम अपने डिस्प्ले को छुटा लेते हैं दोस्तों। डिस्प्ले छुटाने के लिए हम ऐसा ओपनर ले लेंगे किसी भी तरह का, और यहाँ से हम अपने डिस्प्ले को छुटा लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये किसी ने डिस्प्ले लगाई होगी, इसमें दबा के ग्लू भर रखी है। ठीक है दोस्तों, ये तो ख़राब डिस्प्ले है। ख़राब डिस्प्ले को तो हम कैसे भी छुटा लें दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ्रेम को बचा के खोलना पड़ता है, क्योंकि हमारा फ्रेम की जो किनारी है वो ख़राब ना हो दोस्तों। कि अगर फ्रेम की किनारी ख़राब हो गई तो हमें फ्रेम भी दूसरा डालना पड़ता है। फिर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी डिस्प्ले बाहर आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसमें जो पुरानी ग्लू लगी हुई है दोस्तों, इस ग्लू को हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, और हमारे फ्रेम के अंदर जितना भी ये टेढ़ापन होगा उसको हम दूर कर लेंगे। इतने हम फ्रेम को सफ़ा कर लेते हैं और उसका टेढ़ापन भी दूर कर लेते हैं। जब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं, हमारा फ्रेम पूरी तरह से सफ़ा हो चुका है और हमने इसकी डबक भी निकाल ली है। ये दोस्तों, अब हम अपनी डिस्प्ले लगाएंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले का जो वेस्ट पेपर है इसको हटा लेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको भी हटा लेंगे। इससे डिस्प्ले को हमारे अर्थ मिल जाता है। अगर ये लगा रहता है तो दोस्तों हमारी टच बड़ी स्मूथ काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, T7000। दोस्तों इसमें डिस्प्ले में हम ब्लैक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जहाँ ये सेंसर का होल होता है सर, दोस्तों वहाँ हम ग्लू नहीं लगाएंगे, नहीं तो हमारा सेंसर वर्क नहीं करेगा। अब हम अपनी डिस्प्ले को पूरी तरह से हमने क्लीन कर लिया है, कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों बैठ गई डिस्प्ले। बाकी की जो फालतू की ग्लू जो निकल के आ रही है इसको हम सफ़ा कर देंगे। अब हम अपने डिस्प्ले के फ्लेक्स को लगा लेंगे। इसके बाद हम बैटरी लगा लेंगे दोस्तों। अब हमारा आगे बारी आ गई इसके बैक पैनल की दोस्तों। सबसे पहले हम इसका ये जो फिंगर का बटन है, पत्ते का जो फ्लेक्स है फिंगर बटन का, उसको लगाएंगे। उसके बाद हम अपने डिस्प्ले के अंदर यानी फ्रेम के अंदर इस फ्रेम को बैक पैनल को बिठा लेंगे। दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जो जहाँ जल्दबाजी की ज़रूरत होती है वहाँ जल्दबाजी भी करनी चाहिए, और जहाँ आराम से करना है वहाँ आराम से करना चाहिए। और बटन को चेक कर लेंगे हम प्रेस करके, हमारा बटन फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, अब इसमें हम स्क्रू लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसको फ्रेम भी सफ़ा करेंगे। दोस्तों इसमें दो पेज कम है, एक यहाँ का और एक यहाँ का, वो हम अपने पास से लगा लेंगे। दोस्तों कभी भी सेट आए, कोई भी सेट आए, चाहे वो हो या ना हो, हमेशा पेंच पूरे लगाने चाहिए। फ़ोन की मजबूती पेंचों से ही निर्भर होती है दोस्तों। पेंच पूरे लगे होंगे, फ़ोन के अंदर लूजिंग नहीं आएगी और कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसमें आउटर सिम ट्रे लगा लेते हैं। अभी दोस्तों हम इसका पीछे का जो पूरा फ्रेम है, जो ग्रू लगी हुई है, इसको भी क्लीन करेंगे। दोस्तों हमने फ़ोन ऑन कर दिया है। अब हम कैमरे का लेंस लगा लेंगे, उनको हमने क्लीन कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बैक पैनल चिपका लेंगे इसमें। अभी इसी से हम क्लीन करेंगे पहले। ठीक है, क्लीन करने के बाद इसकी सारी पुरानी ग्लू जो है वो हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लगा के इस पर हम रबड़ की मदद से इसको हम टेप कर लेंगे। तो दोस्तों आज आपको हमने दिखाया है रियलमी C35 के अंदर डिस्प्ले कैसे बनती है, पूरी तरह से डाल के भी दिखाई, और आपके सामने
पूरा फ़ोन खोलने से लेकर पैक करने तक की वीडियो बनाई। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए सेट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।